डी ए स्टूडेंट्स ना वी विल डिसकस डिटेल्ड हैजड अनसिस डिटेल्ड हैजडर्ड अनलिसिस का ये मतलब है कि आर्गनाइजेशन में ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जिसकी वजह से इम्प्लाई इल बीमार हो गए या एक्सीडेंटल प्रॉब्लम पैदा हो गई या इस किस्म की कुछ सिचुएशन और पैदा हो गई जिसको हम हैज्स कहते हैं अगर वह हैज़र सिचुएशन डिवाइव हो गई आर्गनाइजेशन में किसी वजह से भी उसका डिटेल्ड अनैलिसिस कैसे करना है ये हमारा इस लाइट का मकसद है

हैज and Operability ऑपरेबिलिटी रिव्यू हैज का ऑपरेबिलिटी रिव्यू के साथ बहुत इंपॉटेंट तल्क है कि वो जो अनसर्टन सिचुएशन पैदा हो गई उसको ऑपरेट कैसे किया जा रहा था मैनेज कैसे किया जा रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें कहीं पे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आपकी इन्वॉल्व है और आपने उस चीज़ को अनएटेंडेड छोड़ दिया जिस वजह से वो हैजर डिवेल्प हो गई थर्ड ह्यूमन एज एनालिसिस कि इंसान का उसमें कितना अमल दखल है समटाइम सी एन सी मशीन के ऊपर हम जब काम कर रहे होते हैं हम उसमें कमांड देते हैं वो मशीन कमांड के मुताबिक चीज़ें कट करके आपको डाई बना के दे देती हैं क्वेश्चन ये है कि उस वक्त जब आपने कमांड दी क्या वो ठीक दी थी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी मिस्टेक की वजह से वो वेल्थ डाई डिवेलप हो गई इसको हम कहते हैं ह्यूमन एरर एनालिसिस टेक्निक ऑफ ऑपरेशंस रिव्यू टेक्निक ऑफ ऑपरेशन रिव्यू का ये मतलब है कि रूटीन में जो ऑपरेशंस ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे होते हैं इनपुट को लेके प्रोसेस यूज करने के बाद आउटपुट डेवलप की जाती है इसको टेक्निक ऑपरेशन कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑपरेशन चलते हैं उसमें कहीं पे प्लांट बिल्डिंग के अंदर मशीनरी इक्विपमेंट टूल्स इनकी वजह से कोई मिस्टेक डिवेल्प तो नहीं हो गई इसको डी ए स्टूडेंट्स हम कहते हैं टेक्निक ऑफ ऑपरेशन रिव्यू फॉल्ट ट्री अनालिस हम लोग स्टार्ट से लेके एंड तक ट्री बनाते हैं इनपुट कहाँ से आई प्रोसेस कैसे चला आउटपुट कहाँ बनी फिनिशिंग कहाँ हुई पैकेजिंग कहाँ हुई फाइनल प्रोडक्ट कहाँ से मिली वेयर द प्रॉब्लम एग्जिस्ट ताकि हमें आइडिया हो सके कि उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके और परमानेंट सोल्यूशन तलाश किया जा सके और लास्ट रिस्क एनालिसिस रिस्क बेसिकली कहते ही एक्चुअल और एक्सपेक्टेड के गैप को हैं अगर एक्चुअल काम जो आप कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेड के मुताबिक नहीं है तो उसमें रिस्क है मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ If आई एम ड्राइविंग एंड आई डोंट नो हाउ टू ड्राइव देर इज़ अ रिस्क ऑफ माई लाइफ इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी अगर कोई इस किस्म का काम है जिसके लिए बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड हैं लेकिन वो बंदा उतना टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है तो देर इज़ अ रिस्क इस चीज़ को एनालाइज करने के बाद हम लोग डिटेल में मेंज का एनालिसिस करके उसका सोल्यूशन तलाश करते हैं